वेलकम बैक टू कैरोके 2018 ब्रॉट टू यू बाय बुश इंडिया। दोस्तों, पहले जमाने में जब भी किसी गाने की रिकॉर्डिंग होती थी, उससे पहले म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर्स और गायक, वो सब मिलकर एक सिटिंग करते थे। ऐसे ही शंकर जयकिशन साहब एक बार रिकॉर्डिंग के लिए सिटिंग उन्होंने डिसाइड किया फॉर द सॉन्ग रात के हमसफर। सारे म्यूजिशियंस सब आ ही चुके थे कि अचानक मालूम पड़ा शंकर जी की मम्मी का देहांत हो गया। सबको लगा कि शंकर जी शायद आएंगे नहीं, इसलिए एक एक करके सारे म्यूजिशियंस वहां से चले गए। बचे सिर्फ शम्मी कपूर साहब और जयकिशन जी। थोड़ी देर के बाद जब शंकर जी वापस आए, उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं। वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने शम्मी जी और जयकिशन जी को बोलकर ये डिसाइड किया कि रात को फिर से उस गाने की सिटिंग रखेंगे। रात को जब वे अंदर आए, उन्होंने उस सिटिंग रूम की सारी बत्तियां बुझा दी और कहा, रात के हम सफर। इस तरीके से इस गाने का मुखड़ा बना और इसके बाकी के बोल लिखे शैलेंद्र साहब ने, जिसका म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन साहब ने और गाया था मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी ने। आज हमारे लिए इस गीत को पेश करेंगे रवि जी और श्रुति। सो प्लीज वेलकम। आप भी musiclovers.asia के कोर मेंबर है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू द व्यूअर्स? I just only want to inform that Music Lovers has given me a very good platform, and just for the information of all, मुझे Music Lovers के through ही एक contract मिला है माथेरान में 10 दिन का, and I'm so excited. Thank you, Swarji. Thank you very much. Contract मिलने से ऐसा लगता है शायद मुझे गाना आता है। It also means that musiclovers.asia is doing a very good job. So all you passionate singers out there, this is the place for you. I wish to say something. I mean, today we are celebrating the second anniversary of musiclovers.asia. There are some people, those who have contributed, whose contribution is very major to the channel. And I wish to state that Ravi ji is one of the greatest contribution to the channel. So, I wish you all the best, Ravi. Thank you.
Yeah.